हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं पगला टीम चैनल से चटनी बासी। बासी चटनी किसने खिला दी भाई? पगला पार्टी 2 सीधी कॉमेडी वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स एंजॉय द वीडियो। हर घड़ी हर पल मा संगी सुरता तोर सताए रे। दिन गुजर थे रात संगी जीला मुर तर साथ रे। मन मता के बाप, एक अबे बाप। बच्चा नहीं बाप। हाँ उसने भाई। अबे मारा लड़ा लिंदार पे लुकड़ो फांदा रे लुकड़ो फांदा। क्या देखा था? एकर मतलब समझ जाओ कि महू नहा था साबुन में। बड़ा हरामी हो बेटा। 50 के 8 वाला। अबे साले बस ना यार। बड़ भजर बिहियाले करिया नंदिया जा। क्या पहन लिया? बंद करना रे। मोर माया के सुयार उड़ाते बड़ मिले के आसे लगे ना। ये पवन संदेशा लाते रह रह के मोला बुलाते। ते भाग दे रे। अभी बनाए नहीं और रात कन के मारे कुकुल धू का हाथ रहे ओला ते खा लेते कुकुल ले कम हंस का कुत्ते। ये हसिया देखा था? हाँ। मतलब ये हसिया देखा था ना? ये सब्जी काटना है बना कर रखना है मैं उती लावा खाओ कहा था। ज्यादा अत्याचार मत कर करने छूतरी दूँ। बोला कुछ और मेरे तोला। अबे साल अच्छा हो गया मोबाइल लेने के लिए नहीं थे तो दोनों मिल के पहुँचा। अरे तो तुम खाना बनाए पर बोले थे का? ये मेरे क्या करा था ते? इतनी साला पेट में कुकुर भी नहीं दौड़ा थे। हाँ तो पेट में कुकुर भी नहीं दौड़ सकते। अगर मुसवा दौड़े तो हम हरदी मिर्च छीट के खा रहे भूंज के। बोला ना जब के कहा था तब के कहा। निकल तो खाना बना। जीन बॉडी कुछ नहीं हुआ। लगी था है बस कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मूल ना बेंद्री बराबर मत कर जो बोल रहा है जल्दी बोल। मैं अभी खाना बनाऊँ ना तो मोर मेकअप खराब हो जाए। अबे साले तो रात कन के भात बचे कर खा ले। उठा उठा के पटकूंगा उठा उठा के पटकूंगा। ना बासी बने ढंग से ला रहे मर्जी बराबर डीजे आदित्य साले 24 घंटा भैंसी बराबर बैठी रही नमक ला रहे। रुक
केला कैसे मुड़ में रखूं? उती लग कैसा को दो आदमी है यार, गुस्सा देखे नहीं आते अभी। अरे जल्दी ला रे साले, नमक का विधानसभा लाई। बड़ा हरामी हो बेटा। ये का है? नमक है। ओह नो। कंठन के ला भाई। बच्ची तेल का तोर मैके लेके बने ढंग के लाग डालना। अबे पूरा ला कर डाल। नमक की कीमत तुम क्या जानो यार मास्टर? तुम नाम लो रे। नहीं जी, तुम नाम नहीं लेवा था, 60 नाम है। अरे पूरा नहीं डालना, नहीं तो पूरा खर हो गए रे। मारबे का मो शुगर में। शुगर? एकर से शुगर नहीं है, बीपी होते। अच्छा बीपीएल कार्ड मिलते है तब तो फिर पूरा खाऊं। अरे बीपीएल कार्ड नहीं मिलेगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो मैं दुच्छा कहाँ खाऊं भाई, चटनी लाना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। आमक चटनी ला अभी तोर बार कौन बना ही? टमाटर की चटनी बात है। तीसरी खाई जल्दी बना और तुरंत ला। जलते मैं इतना पढ़े हूँ ना, इतना पढ़े हूँ कि गुरुजी मन तक को लात मार के निकाल दी। बहुत पढ़ रहे थे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, नंदा जाहीगा कमरा यो खुमरी आ रे। यार आजकल कहाँ मिलती है सिलवट की चटनी? यार बहुत स्वाद होती है कसम से सिलवट की चटनी, बहुत स्वाद। तुमने पीस दिया पूरा। देख ऐसे पीसते रिपोर्ट के नाम आने में। एड़ापोत है बासी और चटनी। छत्तीसगढ़ या हरन भाई रे, कोदो बासी हावे चिन्हारी, कोदो बासी हावे चिन्हारी। मुझे लगा था कि चटनी बासी होगी। अमा अमली चटनी औ, अमा अमली चटनी रमो कलिया, अमारी छत्तीसगढ़िया हरन, छत्तीसगढ़िया हरन। गायब मैं अब काले। छत्तीसगढ़ के चटनी बासी सबके मनाला भाते, इला खाके किसान भाई के छाती सुघर जुड़ाते, और बाहर से आए परदेसिया मन हा अंगड़ी चाट के खाते। वाह रे चटनी बासी तोला देख के लालच आते। सच में लालच आ रहा है कसम से। मैं सच्ची में यार मेरे मुंह में पानी आ रहा था। एक तो सिलवट की चटनी है ना, वो उसके सामने ना कसम से भाई कुछ और सब्जी कोई अच्छी सी बढ़िया सी रखी हो वो भी अच्छी ना लगे, लेकिन सिलबट्टे की चटनी ओ माय गॉड। और टमाटर धनिया के बीज उसमें और मिर्च वगैरह डाली है, हाय हाय बहुत सही। नानी के यहाँ की याद आ गई कसम से। मैं अपने नानी के घर जब जाती थी छुट्टियों में, ठीक है, तो वो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें ही खिलाती थी, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग क्या, तो ये चावल में पानी डाल के चटनी के साथ तो नहीं खाया जाता, बट ये है कि हाँ रोटी के साथ चटनी है ना, और क्या बोलते हैं आप खाने के साथ कोई सा भी खाना खा रहे हो उसके साथ चटनी ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसे खिलाती थी, सुबह सुबह जब उठो तो रात की जो बासी रोटी होती थी उस पर घी और मतलब मसाले वाला नमक लगा कर उसके बाद खाते थे। ओ माय गॉड वो खाना स्वाद, इतना ज़्यादा स्वाद होता था
भाई उसके सामने छप्पन भोग बेकार है कसम से यार सीरियसली। और हांडी की खीर बनाती थी, मिट्टी की हांडी होती है ना उसकी खीर नानी ज़्यादातर बनाती थी वो, मतलब यार मुझे एक एक डिशेज अब याद आ रही है कसम से। ओह माय गॉड दैट्स सच वंडरफुल मेमोरीज यार, वंडरफुल मेमोरीज कसम से। सो गाइज आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा और अपने घर के ऑथेंटिक खाने को हमेशा स्वाद लेकर खाना, ठीक है। पिज़्ज़ा बर्गर समोसा ये सब तो बहुत खा चुके हो तुम लोग, ठीक, खा खा के अपनी हेल्थ भी ख़राब करते हैं सब, और मतलब इतने ज़्यादा हेल्थ इशूज़ होते हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, बाहर कितनी गंदगी से बनाते हैं, घर पर सोचो कितने अच्छे तरीके से बनाया जाता है खाना, है ना, बढ़िया पकवान में। तो घर का खाना प्रेफर किया करो, घर का खाना सबसे ज़्यादा खाने का ट्राई किया करो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।